हाथरस घटना को गुजरे हुए जहां चार दिन बीत गए हैं, वहीं राजनीतिक बयानबाजी बंद होने का नाम नहीं ले रही है। बीते कल राहुल गांधी जहां हाथरस हादसे में मारे गए पीड़ित परिवारों से मिलने गए, वहीं हादसे को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि सरकार छोटी मोटी गिरफ्तारियां दिखाकर अपने नाकामी छुपा रही है। उत्तर प्रदेश शासन प्रशासन सैकड़ों लोगों की मौत से अपनी जिम्मेदारी का पाला झाड़ना चाहती है। इस घटना से किसी ने कोई सबक नहीं लिया तो ऐसी दुर्घटना भविष्य में भी दोहराई जाती रहेंगी। अखिलेश ने आगे कहा कि शासन प्रशासन किसी खास मंशा से व्यर्थ में ऐसे लोगों को गिरफ्तार कर रहा है जो मूल आयोजन स्थल से दूर थे और गिरफ्तारी के बाद उनको ही दोषी ठहराए जाने की तैयारी कर रहा है। ये गिरफ्तारियां स्वयं में एक षड्यंत्र हैं। इन गिरफ्तारियों की खुद न्यायिक जाँच हो जिससे उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार का खेल जनता के सामने लाया जा सके। सपा चीफ ने कहा कि अगर बीजेपी सरकार ये कहती है कि ऐसे आयोजन से उसका कोई लेना देना नहीं है तो फिर बीजेपी को सत्ता में रहने का कोई हक नहीं है। इस कार्यक्रम में आए अधिकांश गरीब, दुखी, शोषित, पीड़ित, वंचित और दलित लोग थे। इस आधार पर इसका मतलब तो ये भी निकलता है कि ऐसे लोगों से बीजेपी का कोई सरोकार नहीं है। सबसे पहले सरकार का ध्यान ऐसे लोगों की तरफ ही जाना चाहिए। एक चिट्ठी के रिप्लाई में ये पोस्ट किया है। ये चिट्ठी अंकित यादव के नाम के एक शख्स ने सपा चीफ को लिखी थी। इस शख्स का कहना है कि उसके पिता को हाथरस हादसे में फर्जी तरीके से फंसाया गया है। अखिलेश यादव से गुहार लगाते हुए शख्स ने कहा कि मेरे पिता को गलत तरीके से फंसाया गया है, इस घटना से उनका कोई वास्ता नहीं है। जब से मेरे पिता को पुलिस ने पकड़ा है तब से पूरे परिवार का बुरा हाल है, हमारे परिवार की मदद करें। हाथरस की हृदय विदारक घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। इस हादसे में 121 लोगों की मौत हो गई जबकि सैकड़ों लोग घायल हुए थे। हादसे के मुख्य आरोपी देव प्रकाश मधुकर सहित कई लोगों को गिरफ्तार किया गया। इस बीच शनिवार को बाबा सूरजपाल की भी बयान सामने आ गया। बाबा ने कहा कि वो हाथरस की घटना से दुखी हैं, जिसने भी अराजकता फैलाई है उसे बख्शा नहीं जाएगा।